नमस्कार, मु देवाशिष देवाशो यूट्यूब चैनल को आपन को वेलकम करुची। कथार कथार सोर एक नूतन अध्याय आपन जानी काशतंडी फुलर प्रेम कहानी। जो काशतंडी फुल शरत ऋतुर आगमन आसे माँ का पाखे जाए और माँ का विसर्जन पर पुणी मौली जाए। ताले ठीक अच्छे आपन भिडियोटी शेष पर्यंत देखु। जदि आम चैनल रे नुआ अच्छा ताले चैनल टी सब्सक्राइब करूँ, पाखे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु, आमर नुआ भिडियो आपण मानके सहजे पहुँच पार। चलतु शुणा से सुंदर प्रेम कहानी काशतंडी फुलर प्रेम कहानी। पुराण जुगर कथाटी गरीब घर झीटे ना तार काशतंडी घर दे बही जाऊ नदीकूल पठा को से नीति बुलवापी जाए। से राज्यर राजकुमार भी नदी पठा बुलवापी आसती। काशतंडी प्रायतः सबुदिन राजकुमार को देखे। सबु झीं मनरे थाए गोटे राजकुमार भली बर पाइबापी ये तो होती सतरे जड़े राजकुमार। राजकुमार को देखु देखु काशतंडी मन दे बसला आउ भल पाइला। हेले मनरे गोटे भय भी थिला। गरीब घर झी को ए राज्यर राजकुमार कौन ग्रहण करे? से तो चाहिए अपरूपी सुंदरी माने धाड़ी दे ठिया हे। हेले कहीं केजाणी काशतंडी प्रेम राजकुमार भी पुलकित हो उठिले। काशतंडीर से धला रंगर चेहरा को देखी राजकुमार भी गरीब झील को मन दे बसिले। धीरे धीरे दुईज प्रेम निबिड़ होगा लगला। सबुदिने दुहे दुईज को से नदी पठारे देखा करती और खोला आकाशे दुईज उड़ी बुलती आ मिलनर मधुर स्मृति को साउटी था। दैव सहला बिछरा से मानक भल पाइबा चंद्रमारे जमीती ग्रहण लगला। उच्च नीच बाछ विचारे दुईटी मन रहीगला। नदीर दुईधार कण परस्पर केवे छुई पारती? बोध हुए काशतंडी और राजकुमार को भाग्य से महाराज एक शुणी रागि उठिले। गोटे गरीब आ छोट जातिर झील से पुणी हम ए राज्यर भाभीराणी? राजा निष्पत्ति नेले। मंत्री को डाकि कहिले तुरंत राजकुमार को नदीपठारू राजमहल को फेरे आण आ काशतंडी ठारू मो पु को अलग कर। मंत्री राजा आदेश पाई सैन्य सामंत धरी नदीपठा आड़े बाहर। ठीक से ही समय नदीपठार दुहे प्रेमर मुहूर्त को उपभोग करते। समय काशतंडी राजकुमार मुंड को कोल रखी तापर धला अढ़ी ढांकी दुहे प्रेमर मुहूर्त को उपभोग कर समय सैन्य सामंत और मंत्री जा पहुंचले। मंत्री यह देखि कही उठिले ए कौन हो राजकुमार? गोटाए गरीब घर झीलपाई आपण राजमहल छाड़ आसाराजा आदेश आपण आम सहित राजमहल को फेरी जातु। एक शुणी राजकुमार कही उठिले जदि मु राजमहल को फेरे ताहले काशतंडी को सांगरे नहीं फेरी। राजकुमार जी त्याग मंत्री हारी जाते तुरंत मंत्री जा राजा को यह सब विषय। राजा एक शुणी आहरी क्रूरता हो उठिले। गोटे सामान्य छोट जातिर झील से पुणी हम ये राजमहल राणी? मंत्री तुमको मु निर्देश दौची तुरंत जा बलपूर्वक राजकुमार को काशतंडी ठार अलग कर आशतंडी को सेठू जीवन रु मारी पोति दि। मंत्री आदेश नहीं सैन्य सामंत नहीं पहुंचले पुणी नदी पठारे। बलपूर्वक राजकुमार को काशतंडी ठार अलग कर सेठी जीवंत काशतंडी को मारी पोति दे। यह देखि राजकुमार अधीर हो उठिले आंदे कले मो काशतंडी को छाड़ दि ना मत भी पोति मारी दि। पोति मरवा पूर्व काशतंडी कही उठिला ना राजकुमार तुम्हें फेरी जाओ राजमहल को फेरी जाओ। ए राज्यर सेवाई तुम जन्म हो मत के छोरी चोरी राज्यवासियों पर अन्याय करे महाराज का आदेश सब तुम मंगलपाई मनरे दुख दे आम के खुशी रहीपरि। राजकुमार कांदी उठिले कहले तुम बिना मो जीवन तुच्छ काशतंडी तुम पछे पछे मुँह भी चली जी मु आत्महत्या करदेवि। काशतंडी कही उठिला ना राजकुमार तुम्हें जदि सतरे मत भल पा था केवे भी तुम्हें आत्महत्या करमको तुम प्रेमर राण तुम्हें प्रत वर्ष मत अपेक्षा कर प्रत वर्ष शरत ऋतु आम मिलन हो माँ का आगमन मुसबी आम सहित देखा करी।
ଏତିକି କହି କାଶତଣ୍ଡି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ରାଜକୁମାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଶରତ ଋତୁକୁ। ଶରତ ଋତୁରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ବଣକୁ। ଶରତ ଋତୁରେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାଶତଣ୍ଡି ଜଣେ। ପ୍ରେମର ଋତୁ ସେ ଶରତ ଋତୁ। ମନ ମୁତାବକ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମନର କଥାକୁ ସେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ପାଖରେ କହିଲେ ମନର ମଣିଷ ମିଳିଯାଏ। ସତରେ ଶରତର ଆଗମନରେ ସେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଆସେ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଏ। ମାଆଙ୍କ ମିଳାଣି ପରେ ପୁଣି ମହୁଳିଯାଏ। ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜକୁମାର ସେ ଶରତ ଋତୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କାଶତଣ୍ଡି ଆସିବ, ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଢେର ସାରା ଗପିବେ, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବେ। ମୋ କାଶତଣ୍ଡି ଆସିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।